यहाँ पर आज आप 2 घंटे या 4 घंटे जो भी हम बातचीत करेंगे वो सीरियस डिस्कशन है, और मैं आपको एक चीज ये गारंटी देता हूँ कि आज नहीं अगले 50 साल इस देश की राजनीति में आप आज सीख के जाएंगे जो फर्क आपको मिलने वाला है। मैं स्टूडेंट लीडर को 16 साल में बन गया था, मगर मुझे आइडियोलॉजी के बारे में तब पता चला जब मैं बार बार ट्रेनिंग में गया, और मुझे लगता है कि आज तक 50 बार अध्यक्ष बनने से पहले वो ट्रेनिंग ली और मुझे समझ आया कि देश में कौन सी आइडियोलॉजी है, या सिर्फ मोदी के अच्छे दिन है, या फिर CPIM और लेफ्ट की बातें हैं कि इक्वलिटी फॉर ऑल, इंक्लूसिव ग्रोथ कांग्रेस की बात है। फर्क क्या है, हम वोट डालें डेमोक्रेसी में, फर्क क्या है, किसको वोट डालें, क्यों वोट डालें, किस पार्टी को ज्वाइन करें, क्यों ज्वाइन करें, और दोनों में फर्क क्या है। हम आपको आज आपको सब कुछ दे रहे हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं हमें ज्वाइन करो, अगर हमको आपको लगता है कि वी आर द बेस्ट ज्वाइनर्स, इफ यू थिंक वी आर द बेस्ट आइडियोलॉजी यू ज्वाइन अस, इफ यू डोंट थिंक ज्वाइन दैट आइडियोलॉजी यू थिंक यू फिट इट, बट टुडे यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड टुडे वी विल गिव यू समथिंग दैट विल हेल्प यू understand the Indian political system, that will help you to understand your country, that will help you understand the system, democratic system of this country, that will help you in the knowledge, that will help you in the civils, that will help you in all aspects of life. I again welcome everybody, and I hope, I think this will be the last time or second last time I will be coming, because in the next 10-15 days, I think 500 colleges and 20 to 30 universities are going in elections, and I have to be there and be there for everybody, be with the NSU people who are fighting on the ground. I am proud to be your president. Please continue fighting as a family. Please fight as a one. Please try to win the Punjab University, and then we will go to the next level. I hope under your ever leadership and under your determination, commitment and dedication, what you are saying, we will win this Punjab University this time. I'm saying that, and I think here how many students are there? Nearly 300, I think. Nearly 300, yeah. I will give you simple mathematics. If you have been to Punjab University, I say I have been to every student union election in this country, every. Hyderabad Central University, Calcutta University, from Northeast Cotton University, you go to the Jharkhand Tribal University, you go to the Jadavpur University, Delhi University, JNU, every university. And I will give you the mathematics, the key to win the election. 300 students, 3,000 votes. Your duty is to bring 10 students of your classroom to vote. Only one thing. 3,000 students within the election. So try to bring 10 students. बोलो भैया चाय दे यार, मेरी इज्जत की बात है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा क्लासमेट है, चल यार मेरे लिए वोट डाल दे। और आप में से हर स्टूडेंट अगर सिर्फ 10-10 वोट डलवाएगा या 12-15, तो कितने वोट हो गए? जो लगता है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी जीत जाएंगे। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आप यहाँ तक आए ये कर सकते हैं, आप दोस्तों के लिए कीजिए, NSU के लिए कीजिए। और मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करना, बहुत डिफिकल्ट है चीजों को समझना, क्योंकि ये जो चीजें हैं कांग्रेस की विचारधारा या लेफ्ट की विचारधारा या RSS की विचारधारा, एक दिन में नहीं बनी है। इट हैज टेकन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू बी हियर, एंड पीपल हैव यूज्ड देयर ब्रेन, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू बी हियर, एंड नाउ इफ यू वॉन्ट टू बी इन द सिस्टम यू विल बी हियर फॉर 60 या 70 ईयर्स। आप लोग 100 साल से भी ज्यादा जियो, मगर जब तक जियोगे ये आपको फर्क आपको बताना है, सोसाइटी में चेंज करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्क करनी है। आज हमको कुछ देने वाले हैं, हम NSU का कैडर बनाने वाले हैं, आप NSU का कैडर होंगे। आप आज शाम 4 बजे तक बैठे, मुझे पता है कि आप लोग बहुत बिजी हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, मगर तब भी आप कोशिश कीजिए समझने के लिए। और उम्मीद है कि जहां पर भी आपको जो लगता है कि आपको समझ नहीं आया, आपके कोई क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। वंस अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू मिलिंद भाई एंड होल ऑफ द टीम।